वेलकम। आज हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट आईजीआई में जो लैगिंग की प्रॉब्लम होती है कि गेम प्रॉपरली रन नहीं कर पाती है, जो विंडोज 8 है, विंडोज 10 है। तो आज हम ये जानेंगे किस तरह से हम इस लैगिंग को दूर कर सकते हैं ताकि जो गेम है वो प्रॉपरली रन कर पाए हमारे पीसी पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करें, इसके बाद टाइप करें TJU और एंटर करें। जो पहली लिंक इसमें है वो आप क्लिक करें, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है इसको डाउनलोड करें। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ हमें किस तरह से यूज़ करके अपनी गेम में जो लैगिंग के प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकते हैं। यहाँ पे ये TJU की डाउनलोडेड फाइल यहाँ डेस्कटॉप पे मौजूद है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत से सब फोल्डर्स मौजूद है। हम इसको मिनिमाइज करेंगे। जो IGI गेम है इस पर भी हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करेंगे। सो इसको भी हम मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास दो विंडोज इस वक्त मौजूद है, तो हमें क्या करना है, जो इस वाली विंडो है इसमें इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक करके हम कॉपी करेंगे या सीधा हम फिर इस वाले फोल्डर में हम राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करेंगे। अब देख सकते हैं हमारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद हम फिर से इसी फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हम MS फोल्डर पे क्लिक करेंगे, इस पर आप डबल क्लिक करें। यहाँ पे आप 86x86 वाले फोल्डर पे क्लिक करें, इस वाले फोल्डर पे आप हम डबल क्लिक करेंगे। इन सब को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इनको भी हम यहाँ पे इस वाले फोल्डर पे पेस्ट करेंगे। तो ये चारों फाइल्स आ चुकी हैं हमारे गेम के फोल्डर में। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस वाली फाइल पे हम क्लिक करेंगे, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि जो ये फाइल है वो आपके गेम के फोल्डर में, जो इंस्टॉल फोल्डर है उसमें आ जाएगी। तो हम क्लिक करेंगे तो हमारे, इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट एक्स पे। ये रैम को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो आप जितना हो सके इसको हायर पे रखिएगा। आप जितनी कैपेसिटी है आपके लैपटॉप में, पीसी में, इस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उसे हायर वैल्यू पे रखेंगे। मैं इसको इस वैल्यू पे रखता हूँ। इसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये वाटरमार्क, अगर आप नहीं चाहते कि आपके गेम में इस एप्लीकेशन का वाटरमार्क रहे, तो आप इसको क्लिक करके अनचेक करेंगे तो वो वाटरमार्क नहीं आएगा। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फिर ओके पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम अपनी गेम को ओपन करेंगे और हमारी गेम स्मूथली रन होना शुरू हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।